की औकात ये है, तेरे तिरंगे की औकात ये है, मेरे कदमों में है, हम पाकिस्तानियों के कदमों में है तेरा तिरंगा, और तेरी औकात ये है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे की उसके ऊपर बकवास करते हैं, आसिया अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है तो हमें तराना पड़ा है, तू इस तिरंगे को लहराना चाहता है। आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा परचम लेके पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, हमारा परचम लेके वो शहीद होते हैं और इसी में ही इसी को कफन बना के लपेट के दफन होते हैं। तेरी क्या औकात है, तेरे तिरंगे की यह औकात है, तेरे तिरंगे को मैं ये जानती हूँ, और जितने टुकड़े मैं इसके कर रही हूँ भारत के टुकड़े इतने होने हैं इंशाल्लाह, भारत इंशाल्लाह इतने ही टुकड़े होंगे और भारत को इंशाल्लाह हम आग लगाएंगे। ये ना समझ मेरी जुरत है, इंशाल्लाह मैं तेरे तिरंगे को ऐसे ही आग लगाऊंगी, तेरे मुल्क के भारत को भी ऐसे इतने ही टुकड़ों में करूंगी। तुम लोग दहशतगर्दी करो, उसके बाद तुम लोग प्रचार करो हमसे, तुम हमसे बात करो इंसानियत की, तुम हमसे बात करो अच्छे। जय हिंद दोस्तों, फिर से हिंदुस्तानी भाऊ आपके सेवा में और पाकिस्तान की मां चोदने के लिए आए ले। एक लौड़ी है, लौड़ी पाकिस्तान की, साजिदा अहमद करके, जिसने अभी एक वीडियो हिंदुस्तान के ऊपर बनाया था, प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया, अपने हिंदुस्तान के लोगों को गाली दिया, टुकड़े कर देगी बोला हिंदुस्तान के, फिर अपना जो तिरंगा है वो पेड़ के नीचे लेके उसने उसको बाद में फाड़ दिया, जलाया। ये वो लौड़ी, चुप तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी रुक, तेरी माँ चुपता हूं मैं। ये लौड़ी है ना, लौड़ी, इसको एक बताना चाहता मैं, पहला ना पहला अपना मुलुक संभालो, तुम लोग की माँ का भोसड़ा, समझा? 22 करोड़ आवाम है ना तुम लोग की, हाँ वो संभाल तेरी माँ का भोसड़ा। सिर्फ बॉर्डर पे हमारे ना, बॉर्डर पे जवान है ना, वो गांडू मुद देंगे ना तो तुम लोग की माँ की जो सुनामी आ जाएंगी उधर, समझी क्या? लौड़ी बड़ी बड़ी बात मत चोद, समझा? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग के खाने पीने के वांदे भेन चोद, चाइनीज लोग आके तुम्हारे औरतों को चोद रहे उधर, समझा? चाइना वाले सऊदी वाले आके तुम्हारे को ना चोद रहे उधर, उन लोग से डॉलर और भेड़ चोद मिल रहे तुम्हारे को, तब तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारी माँ का भोसड़ा हमारे को बोलेंगे, हाँ तुम लोग की औकात है क्या रे? भेड़ चोद साली, रंडी साली, क्या करेगी रे तू, हाँ क्या करेगी तू? तू लंड का भेड़ चोद, एक बाल रहते ना झाट, वो भी नहीं उकाट सकते तुम लोग गांडू लोग है, गांडू लोग, समझा? और प्राइम मिनिस्टर है ना हमारा, प्राइम मिनिस्टर वो भी एकदम संकी है, मालूम है ना, रातों रात काम बजा देता है, रातों रात मालूम भी नहीं पड़ता है, सोए ले रहते तुम लोग के लावड़े लगा देता है वो, समझा? तो ये बोल बच्चन है ना, बोल बच्चन देने का नहीं, ये बोल बच्चन देने का नहीं, हम लोग को तो देने का नहीं, और तू भेनचोद पॉलिटिक्स है इसके लिए तू ये बड़बड़ कर रही है, हा? कौन जानता है तेरे को उधर, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी बीजी बना, भेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर, क्योंकि कभी भेंचो हो गया ना सच में हिंदू अपना हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का लपड़ा, भेंचो घुसेंगे पहला तो मैं तेरे को ढूंढेगा और भेंचो पाकिस्तान का झंडा तेरे गांड में, तेरे चूत में डाल देगा मैं, समझी क्या? लौड़ी साली, अक्कल है क्या तेरे को? मादरचोद साली, कुछ भी बोलती है मादरचोद, उधर वीडियो पे क्या बोलती है तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी बोलना तेरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, भड़वे को, कि करके बताओ ना तुम्हारी माँ का भोसड़ा, क्यों नहीं करते रहे तुम लोग हर बार बड़बड़ खाने पीने के वादे, तुम लोग की माँ का भोसड़ा, तुम लोग के भीख मांगते इधर उधर से, हम लोग को बोलेगी तू तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी वीडियो बना के क्या बहुत बड़ी फेमस हो गई तू।